नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis.sales@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल आरबीआई की ऑटोनॉमी और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने प्रस्तुत हुए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे आरबीआई के गवर्नर से। आरबीआई के गवर्नर ने एज सच सरकार का क्रिटिसिज्म नहीं किया, लेकिन उन्होंने आरबीआई को ऑटोनॉमी देने की बात जरूर कही। इस आर्टिकल में देखो दो इश्यूज पर फोकस किया जा रहा है। पहला नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए और दूसरा आरबीआई की ऑटोनॉमी। हम पहले बात करते हैं एनपीए की, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। देखो जो भी लोन बैंकों के द्वारा दिया जाता है कस्टमर्स को, वो बैंक की एसेट होता है। बैंक रेवेन्यू इसी से कमाता है। अब मान लीजिए एसबीआई ने किसी एबीसी कंपनी को 100 करोड़ का लोन दिया था और तय टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार उस एबीसी कंपनी को हर महीने इंटरेस्ट चुकाना था 50 लाख का। उस एबीसी कंपनी ने अक्टूबर में 50 लाख का इंटरेस्ट दिया, नवंबर में नहीं दिया। अब देखो नवंबर में नहीं दिया, देना चाहिए था। उसके बाद दिसंबर में भी नहीं दिया, जनवरी में भी नहीं दिया, फरवरी में भी नहीं दिया। यानी जब इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल चुकाना था नहीं चुकाया, उसके 90 दिनों बाद तक भी नहीं चुकाया। तो 90 दिनों के बाद जो है वो एसेट बैंक की नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहलाएगी। मतलब ये है कि वो एसेट डिफॉल्ट हो सकती है, यानी जिस कंपनी को जिस पर्सन को लोन दिया गया है वो डिफॉल्ट कर सकता है। पिछले कुछ समय में बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। मार्च में जो क्वार्टर खत्म हुआ, उस क्वार्टर के खत्म होने तक बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट था 11.8%, जो काफी ज्यादा है। नुकसान देखो सीधा सीधा ये होता है, जितना ज़्यादा बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट होगा उतने ही कम पैसे उपलब्ध होंगे बैंकों के पास लोन देने के लिए। तो प्रायोरिटी सेक्टर को लोन नहीं दिया जा सकेगा बैंकों के द्वारा, और जो नीडी कंपनीज हैं जिनको वास्तव में लोन की आवश्यकता है उनको भी बैंकों से लोन नहीं मिल सकेगा। तो ऐसी सिचुएशन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रभावित होती हैं, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्लो डाउन होती है। अच्छा एक क्वेश्चन अब ये आ जाता है, हमारे देश में बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इतना ज़्यादा बढ़ क्यों गया है? तो कुछ रीजंस की बात हम कर लेते हैं। पहला रीजन तो देखो ये है, 2008 में आपको पता है फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, तो उस क्राइसिस के बाद डिमांड काफ़ी कम हो गई थी। इस वजह से कंपनीज के पास इतना काम नहीं था और उनको मुनाफा भी कम हुआ, तो इसलिए जो लोन उन्होंने बैंकों से लिया था उसे वो लुटा नहीं सके। दूसरा रीज़न है एक्सेसिव लैंडिंग बाय बैंक्स। बैंक्स के द्वारा भी देखो अंधाधुंध लोन दिया गया। अंधाधुंध लोन बैंकों के द्वारा काफ़ी रीजंस की वजह से दिया जाता है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं उनको तो आपको पता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार ही कंट्रोल करती है, मैनिपुलेट करती है। तो काफ़ी बार बड़े पॉलिटिकल लीडर्स का, बड़े मंत्रियों का फ़ोन आ जाता है, हाँ भाई इस कंपनी को लोन दे दो। तो बैंक्स के जो बड़े अधिकारी हैं वो सेफ चलते हैं, वो पॉलिटिकल लीडर्स के कहने पर लोन दे देते हैं। अच्छे से इवैल्यूएशन नहीं होता जिन लोगों को लोन दिया जा रहा है, उनकी प्रोफाइल कैसे है, वो लोन डिजर्व करते भी हैं या फिर नहीं। कहने का एसेंस ये है बैंकों के अधिकारी पॉलिटिकल दबाव के आगे घुटने टेक देते हैं और अंधाधुंध लोन दे दिया जाता है। तीसरा रीज़न लार्ज नंबर ऑफ स्टॉल प्रोजेक्ट्स। इन्वायरमेंट क्लियरेंस की वजह से या फिर दूसरे रीजन्स की वजह से काफ़ी बार बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रुक जाते हैं। काफ़ी बार कोर्ट में केस आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में मान लीजिए केस आ गया, सुनवाई आई 3 महीने बाद, तो काफ़ी डिले हो जाता है प्रोजेक्ट, इस वजह से भी लोन को चुका पाना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट रीजन है विलफुल डिफॉल्टर्स लाइक किंगफिशर। कई तो ऐसे हैं देखो जानबूझ के ही नहीं देते, मतलब बैंकों से लोन लिया, उनके पास होती है कैपेसिटी, लेकिन जानबूझ के डिफॉल्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन एनपीएस एंड पुअर प्रोफेशनलिज्म। एक रीज़न एनपीएस बढ़ने का ये भी है, अकाउंटेबिलिटी नहीं तय, जवाबदेही किसी ना किसी की तय होनी चाहिए ना। मान लीजिए एसबीआई बैंक का एनपीए बढ़ गया, तो किसी को तो जवाब देना चाहिए कि हाँ भाई आपका एनपीए क्यों बढ़ा है। जवाबदेही अगर तय होगी
तो जिसकी जवाबदेही तय होगी एटलीस्ट वो चीजों को सीरियसनेस से लेगा कि हाँ मुझसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं है इसलिए सबको लगता है बढ़ता है तो बढ़ने दो, ये एटीट्यूड खराब है। तो ये हमने कुछ रीजंस की बात की जिसकी वजह से एनपीए बढ़ गया। अच्छी बात देखो अभी फिलहाल ये है, मार्च 2018 में यानी इस साल मार्च के क्वार्टर के अंत तक जो एनपीए है वो पीक पे आया, उसके बाद से ही एनपीए कम हो रहा है, ये काफी अच्छी बात है। इवन स्लिपेज, स्लिपेज का मतलब है फ्रेश एनपीए काफी कम ऐड हुआ है मार्च के महीने के बाद। हो सकता है कि जितना खराब लोन था यानी बैड लोन्स जो है वो अब सामने आ चुका है, अब कम ही बैड लोन सामने आएगा, हम उम्मीद तो यही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आरबीआई को काफी स्टेप्स लेने की आवश्यकता है एनपीएस को कम करने के लिए। स्टेप्स की भी एक बार हम बात कर लेते हैं। पहला स्टेप देखो बैंकों के द्वारा ये लिया जा सकता है, जैसा आरबीआई ने विभिन्न बैंकों को डायरेक्ट किया है कि आप बड़ा जो लोन आपके द्वारा दिया गया है आप उसे मॉनिटर करते रहिए, और अगर आपको थोड़ा सा भी साइन दिखता है कि ये लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो सकता है आप उसी समय कोअर्सिव स्टेप्स लीजिए ताकि आपको नुकसान ना हो। दूसरा बड़ा स्टेप ये लिया जा सकता है, बैंकों की गवर्नेंस पर काफ़ी सारे सवाल उठते रहते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया जवाबदेही नहीं है किसी की, तो बैंकों की गवर्नेंस इंप्रूव होनी चाहिए और जो भी बैंकों के द्वारा लोन दिया जाता है देखो एक बैलेंस इस्टाब्लिश करने की आवश्यकता है। अगर बैंक अधिकारियों के ऊपर खूब ज़्यादा विजिलेंस लगाई जाती है, ऑडिटिंग होती है काफ़ी सारी संस्थाओं के द्वारा, तो ऐसी सिचुएशन में डर के चलते बैंक के अधिकारी लोन देना बहुत कम कर देते हैं, तो इससे भी नुकसान होता है क्योंकि लोन अगर कम दिया जाएगा बैंकों के द्वारा सेम बात इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगे नहीं और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट प्रभावित होगी। लेकिन खुला छोड़ दिया जाए बैंक अधिकारियों को, आप कुछ भी करिए आपकी मनमानी है, उस सिचुएशन में भी दिक्कत आती है। तो एक बैलेंस इस्टाब्लिश करने की जरूरत है कि थोड़ी अकाउंटेबिलिटी बैंक अधिकारियों की रहे। उसके बाद सरफेसी एक्ट 2002, इसको बेटर इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में ये आई थी, इसे भी अच्छे से इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। लोन रिकवरी मेथड्स में इंप्रूवमेंट आना चाहिए ताकि बेहतर तरीके से बैंक अपना लोन जो अभी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो चुका है उसे वापस हासिल कर सकें। तो ये कुछ स्टेप्स जो लिए जा सकते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट को एड्रेस करने के लिए। पहले इशू की हमने बात कर ली जो कि था नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अब दूसरे इशू की बात करते हैं आरबीआई की ऑटोनॉमी से संबंधित। देखो आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल जब प्रस्तुत हुए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने, उन्होंने कहा आरबीआई को ऑटोनॉमी की आवश्यकता है तीन रीजंस की वजह से। एक तो देखो डिपॉजिटर्स यानी जो लोग बैंकों में अपना पैसा जमा करवाते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और मॉनिटरी पॉलिसी तो एक्सक्लूसिव डोमेन होना चाहिए आरबीआई का, तभी मॉनिटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन इफेक्टिव रहेगा। तीसरा, अगर देखो आरबीआई को अपनी रेटिंग्स ट्रिपल ए मेंटेन रखनी है तो उसके लिए रिजर्व्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आरबीआई से आरबीआई के रिजर्व्स को छीन लिया जाएगा तो आरबीआई की रेटिंग्स प्रभावित हो सकती हैं। तो ये तीन रीजंस दिए गए आरबीआई गवर्नर के द्वारा ये फोकस करने के लिए कि आरबीआई को ऑटोनॉमी की आवश्यकता क्यों है। हाल फिलहाल में खूब ऐसी खबरें आ रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आरबीआई बोर्ड की पावर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है आरबीआई गवर्नर की पावर्स को डाइल्यूट करने के लिए। हालांकि देखो 19 नवंबर को जब आरबीआई बोर्ड की मीटिंग हुई उस दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ, हार्मोनियस रिलेशनशिप देखने को मिली आरबीआई बोर्ड और आरबीआई के गवर्नर के बीच। सेंट्रल गवर्नमेंट का वैसे ये भी तर्क है, यूएसए समेत वर्ल्ड के कुछ ऐसे भी फेडरल बैंक्स हैं जहां पर फेडरल बैंक के बोर्ड की चलती हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का ये तर्क सही नहीं है क्योंकि देखो यूएसए में फेडरल बैंक का जो बोर्ड है उसकी कंपोजिशन अलग है और हमारे देश में आरबीआई का जो बोर्ड है उसकी कंपोजिशन अलग है। कंक्लूजन में कहा जाता है ये पहली दफा नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच टकराव देखने को मिला और ना ही ये अंतिम बार है, पहले भी डिफरेंसेस आए हैं आरबीआई गवर्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच और आगे भी आएंगे क्योंकि कई मायनों में जो इंटरेस्ट हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं आरबीआई के और सेंट्रल गवर्नमेंट के, लेकिन ओवरऑल इंटरेस्ट दोनों के सेम है देश की इकोनॉमी को आगे ले जाना। सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरफ जहां शॉर्ट टर्म गोल्स पे फोकस करती है पॉलिटिकल कंपल्सन्स के चलते, लेकिन आरबीआई लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के चलते। लेकिन जो भी डिफरेंसेस आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच अगर बंद कमरों में वो डिफरेंसेस सुलझा लिए जाते हैं तो ये देश की इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। चीज़ें अगर बाहर आती हैं
तो इन्वेस्टर्स को पता लगता है इन्वेस्टमेंट का इन्वायरमेंट स्पॉइल होता है। कंक्लूजन में एक और बात यह भी बोली जाती है कि जब भी आरबीआई की बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड जो कुछ बोलता है आरबीआई गवर्नर उसको ध्यान से सुने और जो भी एक्शन लें आरबीआई के गवर्नर, ऐसा नहीं कि बोर्ड एक प्रकार से इंस्ट्रक्शंस दे आरबीआई के गवर्नर को, लेकिन बोर्ड जो कुछ बोलता है उसे ध्यान से सुने आरबीआई के गवर्नर और जो भी एक्शन लें उनमें बोर्ड का जो निर्णय है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, एसेंस रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया नॉन परफॉर्मिंग एसेट और आरबीआई की ऑटोनॉमी के बारे में। चलते हैं आगे, क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट की जो समस्या है इंडियन बैंकिंग सिस्टम में, ये बड़ी समस्या है और इससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट प्रभावित हो सकती है। पहले आपको स्टेप्स बताने हैं आरबीआई के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए हैं बैंकिंग सिस्टम को एनपीए की समस्या से आज़ाद करवाने के लिए और क्या फर्दर स्टेप्स लिए जा सकते हैं। 250 शब्दों में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलते हैं आगे, तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।